हो गया। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा वीडियो जिसका इंतजार मेरे से ज्यादा आप लोगों को था। और वो है आउटडोर एरिया का मेकओवर। अब शाम हो रही है और थोड़ी देर में लाइट्स जल जाएंगी। Why you wanna run away? Why you gotta be afraid? I wish I could make you stay, 'cause baby I love you. Why you tryna break us up when I'm tryna build it up? I wish I could make you stop, 'cause baby I love you. Guess I'm gonna dance alone. तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आउटडोर एरिया का एक पूरा कंप्लीट लुक। और ये है मेरे घर का एंट्रेंस एरिया। बाहर के एरिया में जैसे ही घुसते हैं उसके साइड में पूरी एक वॉल जो है वो चेंज है। Why you wanna run away? Why you gotta be afraid? I wish I could make you stay, 'cause baby I love you. Why you tryna break us up when I'm tryna build it up? I wish I could make you stop, 'cause baby I love you. Guess I'm gonna dance alone tonight. I'm gonna miss your body. जो ये मेटल का गेट है ये आयरन का बना हुआ है। स्टील के गेट पर्सनली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। एक तो वो बहुत रेगुलर होते हैं, सबके यहाँ दिख जाते हैं, और वो जो सिंप्लिसिटी में एक अच्छा लुक निकल कर आता है वो नहीं आता है। का एरिया जो कि वुडन का बना था, चीड़ की लकड़ी का है, बाहर बिल्कुल भी खराब नहीं होती। और इसी के साथ यहाँ पे लगी हुई है ये आर्टिफिशियल बेल मैंने लगाई है। जैसे ही सीजन आएगा कुछ सीजन के हिसाब से इसमें बेल ग्रो कर दूंगी। और ऊपर लगा हुआ है मिस्ट, जिसको कि अभी मैं रात में जब लाइट जलेगी तब आपको लगा के मतलब जरूर दिखाऊंगी कि वो कैसा लगता है। इसकी फील ही बिल्कुल बढ़िया है। देखो पूरे में मिस्ट हो गया, कितना बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, कितना बढ़िया लग रहा है। देखो समर्स में तो यहाँ मजा आ जाएगा। वाओ बहुत बढ़िया। सोफा है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था। इधर है किचन की विंडो और इसके नीचे वाला एरिया था पहले मतलब ये इतना खराब था कि यहाँ पे प्लांट्स भी मैं नहीं रख पाती थी। और अब ये एरिया इस पूरे आउटडोर का मेरा मोस्ट फेवरेट एरिया है। Home,
लिए बनाई है एक क्यारी जिसमें नीचे लगी हुई है टाइल्स और पानी निकालने के बिल्कुल अच्छे से चैम्बर्स और नाली बना दी है और इसमें कुछ बिजली के पॉइंट्स भी हैं। डाली इसमें गिट्टी जिसे कि बजरी भी कहते हैं शायद, और इससे इस पूरे को कवर कर दिया है। और इसको वॉश करने के बाद नर्सरी से मैं लेकर आई थी कुछ ये पत्थर पेबल्स बड़े वाले वाइट कलर के, वो लगा दिए। नीचे इसमें लगी हुई है लाइट जो कि वाटर प्रूफ है, एक स्ट्रिप्स आती है वो इसमें लगाई है। और उसके बाद देखिए कितना बढ़िया लुक इसमें निकल कर आया है। और ये है एक काम जो कि पेंडिंग है, यहाँ पे रखे हुए हैं बुद्धा जी और इसके नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं बिजली के और मोटर के, जिससे यहाँ पे एक DIY फाउंटेन अभी बनाना है। और उसके लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें अभी कलेक्ट हो रही हैं, जैसे ही वो बन जाएगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बहुत ही ईजी भी रहेगा उसे बनाना और जल्दी ही आपको उसका वीडियो मिलने वाला है। जब कभी भी मेकओवर की बात आती है तो ये समझ में नहीं आता कि कौन सी वाली हम थीम लें, लेकिन जो आउटडोर एरिया की थीम है ये थोड़ी रस्टिक है, ब्लैक हुआ, ग्रे हुआ, ब्राउन हुआ, ब्रॉन्ज, थोड़े से डार्क शेड्स में है। और जितने भी प्लांटर्स हैं वो वाइट कलर के हैं, यानी इस रस्टिक थीम में जो बिल्कुल चेंज ला रहा है ना वो है वाइट कलर। ड्राइंग रूम के दरवाजे के ऊपर लगाई हुई हैं ये एक वुडन बीडिंग्स जो कि पानी में खराब नहीं होंगी, और इनके नीचे पहले जो है ब्लैक कलर की सेटिन मैट फिनिश की एक माइका लगा दी है, और उसके ऊपर कुछ लाइट्स हैं, विंड चाइम्स हैं, और ये पूरे लुक को बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कॉम्प्लीमेंट करता है, और ये जो है ना चुरा लेता है पूरे लुक में से अपनी जगह को। और ये देखिए ये है वो खिड़कियां दरवाजे जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था जिनका कलर, और इनका कलर अब चेंज हो चुका है, इनका कलर बिल्कुल एक लाइट वाइन कलर है। कोई भी रेगुलर ये कलर नहीं है, बिल्कुल अलग तरीके का कलर है जो कि यहाँ की पूरी डल थीम को और भी ज्यादा डल बनाता है, जिससे एक बहुत ही अच्छा रिच लुक निकल कर आता है। और ये है सबसे अच्छी चीज जो कि है एक बरांडा यानी कि मेन एंट्रेंस वाला एरिया जो कि वाकई बहुत शानदार है। और जो यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा प्लांट्स नहीं रखे हैं, और ये वही वॉल है DIY जो कि मैंने बनाया था, और ये है दीपक, मिट्टी के दीपक। अगर आपने ये वीडियो चेक नहीं किया हो तो चेक कर लीजिएगा। बेहद शानदार है। और इसके जस्ट अपोजिट साइड में आते हैं इस वॉल की तरफ, यहाँ पर टोटल 9 प्लांटर्स हैं जो कि वुड के ही बने हुए हैं, और इसमें जो ऊपर की दो रो है इसमें लगे हुए हैं आर्टिफिशियल प्लांट्स, और नीचे वाली रो में मैंने लगाए हैं मनी प्लांट्स। अभी इन सबको मैं नेचुरल प्लांट से कवर कर दूंगी क्योंकि यहाँ पे मनी प्लांट बहुत अच्छी तरह ग्रो करेगा। और ये देखने में घुसते ही जैसे हम घुस के आते हैं ना बहुत बढ़िया लगता है। Wherever
मैंने ये चेयर्स लिया है ना, फर्नीचर लिया है, ये बिल्कुल नया मैंने लिया है। इसमें दो चेयर्स हैं और एक टेबल है। पूरा प्रोजेक्ट बगैर किसी टीम के पॉसिबल नहीं था और इसे पॉसिबल बनाया है एक बहुत ही अच्छी टीम ने, और वो टीम थी अक्षत की, जिसने जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही करके दिया था। लेकिन इस वीडियो के जरिए मैं उसको बोलना चाहती हूँ बहुत बड़ा वाला थैंक्स कि उसने मेरे इस सपने को, या ये कह लीजिए कि मेरे जो मैंने इमेजिनेशन कर रखी थी उसको पूरा किया। तो थैंक यू सो मच अक्षत, और मैं अक्षत और उसकी पूरी टीम से आपको एक वीडियो में जरूर मिलवाऊंगी, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि वाकई हार्डवर्क क्या होता है, और हमेशा हार्डवर्क जो होता है आपको पे उसका मतलब रिवॉर्ड मिलता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो ना, और मेरी जो टीम है पूरी अक्षत की जो टीम है, अगर आपको उनका काम पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और कैसा लगा टूर जरूर बताइएगा। और फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही नए DIY वीडियोस के साथ, क्योंकि अभी इस एरिया में बहुत सारे DIY करना बाकी है। तो जितना काम अभी तक हुआ था उसका मैंने आज आपको वीडियो शेयर किया, हालांकि अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है। तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए आपसे फिर से इजाजत लेती हूं दोस्तों। तो थैंक यू सो मच इस मेरे सपने को साकार करने के लिए, क्योंकि जो भी चीजें होती हैं वो बगैर बजट के और पैसे के नहीं होती हैं, और उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा वाला कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले मुझे थैंक यू बोलना चाहिए आपको, अक्षत और उसकी टीम के साथ साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Why you wanna run away? Why you gotta be afraid? I wish I could make you stay, 'cause baby I love you. Why you tryna break us up when I'm tryna build it up? I wish I could make you stop, 'cause baby I love you.